अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। सपा नेता आजम खान के करीबियों पर अवैध कब्जे व जबरन वसूली का आरोप। दरअसल थाना ब्रह्मपुरी के रहने वाले कुछ लोगों का आरोप है कि उनकी जमीन पर आजम खान के कुछ करीबी लोग अवैध कब्जा करते हैं और उनसे जबरन वसूली लेते हैं, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित पक्ष आज एसएसपी ऑफिस पहुंचा। पीड़ित युवक ने बताया कि हारून सलमान जफर अकरम आदि का एक ग्रुप बना हुआ है और सब साथ मिलकर लोगों को दबंगई दिखाते हैं व उनसे वसूली करते हैं। पीड़ितों के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। ऐसे ही अवैध कब्जे करके दबंगों ने बस व पैलेस भी बना लिया है, जिस पैलेस को मंदिर तोड़कर बिना नक्शा पास किए बनाया गया है। ये पैलेस नून नगर की पुलिया पर बनाया गया है, जो एक बार सील भी हो चुका है। बीते दिनों भी आयकर व ईडी ने रामपुर, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद समेत समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के 30 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जिस छापेमारी की कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को लेकर की जा रही थी, जिसके आजम खान अध्यक्ष हैं। देखिए पीड़ितों ने आज मीडिया को क्या जानकारी दी। मैं ऑपरेटर है, थाना ब्रह्मपुर क्षेत्र में रहता हूँ और वहीं पर हमारा प्लॉट है। साढ़े नौ लगा ये अवैध कब्जे करते हैं जबरदस्ती गुंडागर्दी के बल पे। बदमाश इनकी फुल चलती है और पहले मेरे प्लॉट पे कराया इन्होंने कब्जा और अब इन्होंने प्लॉट पे कर रहे हैं। भाई साहब मेरे पास है, इनको पता लगा, मैंने कहा कप्तान साहब के पास चलते हैं। हारून है, बट्टर है और सलमान है, फारूक है, जफर है, अकरम है, सलमान है, इनका बहुत बड़ा ग्रुप है और ये अवैध कब्जे ही करते हैं। ये नून नगर पुलिया में बीएस पैलेस है, जो अवैध बना रखा है इन्होंने, मंदिर तोड़ करके वो बनाया है इन्होंने और ना ही उसका नक्शा पास है, उसके ध्वस्तीकरण के आदेश भी हैं। एक बार उसमें सील भी लग चुकी है, इन्होंने पैसे दे के वो सील तोड़वा दी थी, खुलवा दी थी और जब से अवैध चल रहा है बराबर प्रोग्राम चलते हैं, फायर करते हैं, हर फायरिंग होती है। इनकी भाई की ऐसा है जी, खसरा नंबर है 2187, उसमें 400 गज का प्लॉट है हमारा, 2007 में लिया था, बुनियाद भर के छोड़ रखी थी। अब हमें पता लगा कि मिट्टी पड़ रही है, हम रात को आए उसे रुकवा गए, रात को आए रुकवा गए, थाना दिवस में हमने एप्लीकेशन दी सेक्टर साहब को, उन्होंने की जाओ हम तहसील से रिपोर्ट मंगवा लेंगे, इसमें कुछ नहीं होगा। रात को उन्होंने चिनाई शुरू कर दी, हम पे फोन गया, 112 फोन करा, चिनाई रुकवा दी, जिसमें 2 गेट भी खड़े कर दिए, जितना बारिश हो रही थी रात को। कौन लोग हैं ये बताइए। सुनो, हम गांव के रहने वाले हैं, हमें सबका तो पता है नहीं, बट्टर, हारून, ये आदि है, सभा से ताल्लुकात है इनका, इन्होंने कही कि हम तो योगी जी के थोड़े भी बैठते हैं और कमिश्नर तो हमारे घर का है, हम वही खाना खाते हैं। सुन, आश्वासन यू दिया कि 2 दिन इंतजार करो, हम इसकी जांच करवा लें और हमें हमसे 2 दिन बाद मिलो। ये आजम खान का पता चल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।